गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल यादव। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था, जो मैंने आप लोगों को मोस्टली बता दिया था कि टेस्टिस जो होता है यूजली मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं स्पर्म्स। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेल गैमेट होता है, सॉरी, जो हमारा टेस्टिस होता है वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के वजह से ही बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर, जैसे कि दाढ़ी का आना, ये भी एक क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स है। इसके अलावा आवाज़ करने पर, बात करने पर वॉइस की वॉइस क्रैक हो जाती है, फटने लग जाती है एज के साथ। तो ये कैरेक्टर्स हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो बॉयज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन रिलीज होती है। ओके, अगर ये बंद हो जाएगा तो आपको ये जो फीचर्स है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो शो नहीं होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जैसे मैंने बताया था मेल होता है, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे तो उसमें भी कुछ ऑर्गन्स पाए जाएंगे, यानी कि पेयर ऑफ ओवरीज होगा, वन पेयर ऑफ ओवरीज पाया जाता है, टू कह सकते हैं कि ओविडक्ट पाया जाता है। ओके, इसके अलावा इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यानी कि ओविडक्ट, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे आपके जो बुक में बना हुआ है, तो आपको इस डायग्राम में देखने पे पता चलेगा कि इसमें क्या होता है, इसमें ओविडक्ट होगा, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। यूट्रस होता है, ओवरीज, ये दोनों ही चीज़ें कह सकते हैं कि ओवरीज और यूट्रस क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में बना होता है। ये कह सकते हैं कि यूट्रस ओवरीज आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, यानी कि होता है। ओवरीज प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट को, जिसको बोलते हैं एक्स। मैंने बताया था कि एक्स की क्वांटिटी एक ही होगी, जैसे कि बताया गया है कि स्पर्म्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि टेस्टिस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन फीमेल पार्ट में, यानी कि फीमेल ओवरीज, सिर्फ और सिर्फ एक एग का फॉर्मेशन करती है। ये जो है पर मंथ बनता है, यानी कि पर मंथ एक ओवरी का, सॉरी, एक एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा भी एक हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी टेस्टिस से रिलीज हो रही थी, वैसे ही यहाँ पे भी एस्ट्रोजन करके एक हार्मोन फीमेल बॉडी में भी बनता है। एस्ट्रोजन की वजह से ग्रोथ होता है ब्रेस्ट का और प्यूबिक हेयर्स का, यानी कि प्यूबिक हेयर और जो है ब्रेस्ट, दोनों का ग्रोथ ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट की बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज होती है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, जिसके वजह से बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन होता है और दूसरा ब्रेस्ट के ग्रोथ का, यानी कि ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है। अब हम लोग इसके अलावा जो सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा इसके बाद जो आता है, वो होता है फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट जब भी फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेगी, तो इसी फ्यूज़न को ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? जब भी मेल गैमेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मेल गैमेट एक ही फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करता है। जब भी ये मेल गैमेट तैर करके, यानी स्विम करके फीमेल गैमेट के पास कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी बाहरी जो लेयर होगी सेल मेम्ब्रेन की, वो रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि डिफ्यूज़ हो जाएगी या फिर गल जाएगी, और उसके अंदर का न्यूक्लियस इसके बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा। और वो एग के न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर लेगा। जब भी वह एग के न्यूक्लियस, यानी कि स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा, तो दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ करके एक न्यूक्लियाई बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। और इस टाइप के फ्यूज़न को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। पॉइंट,
यानी कि मेल गैमेट, व्हेन द मेल गैमेट कम इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल गैमेट एंड फ्यूज, ओके, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. द वन लाइन आंसर इज दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.